यूएस अपने यहाँ बच्चों के एजुकेशन के लिए काफ़ी डेडिकेटेड है। यूएस में कंपलसरी एजुकेशन सिस्टम है, जिसके हिसाब से अगर आपका बच्चा 5-6 साल का हो गया है तो आपको उसे स्कूल भेजना ही होगा। अगर बच्चा स्पेशल चाइल्ड है तो भी उसे स्कूल जाने का पूरा हक है। अच्छा, अब सवाल ये है कि अगर आप उसे स्कूल नहीं भेजेंगे तो क्या होगा? तो आप दोषी पाए जाएंगे। आपके बच्चे की स्कूल अटेंडेंस 90% से ऊपर होनी चाहिए। अगर आपका बच्चा एब्सेंट हो रहा है तो स्कूल से फॉलोअप कॉल्स आती हैं। अगर फिर भी बच्चा एब्सेंट होगा तो कोर्ट से एक नोटिस आता है, जिसमें सजा के रूप में आपको कुछ दिन सोशल वर्क करना पड़ सकता है। लेकिन अगर स्टूडेंट दोषी है तो उसे काउंसलिंग या मेडिटेशन के लिए भेजा जाता है। अगर 6 महीने में आपके बच्चे की 10 छुट्टियाँ हो गईं, वो भी बिना किसी वैलिड रीजन के, और आप टेक्सास स्टेट में रहते हैं, तो आपको $500 का फाइन लग सकता है, या कैलिफोर्निया में आपको जेल भी हो सकती है। मतलब रीजन कोई भी हो, आप अपने बच्चे को घर में नहीं रख सकते। हर चीज़ का सोल्यूशन निकाला जाएगा।